देशभर में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर सभी जगह तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसकी रौनक राजधानी देहरादून के बाजारों में भी देखने को मिली है। आपको बता दें, इस बार के बाजार में इको फ्रेंडली मूर्तियों से सजे हुए हैं और मिठाई दुकानों में मोदक समेत कई प्रकार के मिष्ठान भी बिक रहे हैं। वहीं आचार्य मनोज उनियाल ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था और जो भक्त गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश विद्वानहर्ता माने जाते हैं। देहरादून से संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। गणेश जी का जो त्यौहार गणेश चतुर्थी 31 तारीख को बुधवार के दिन पड़ रहा है, बुधवार गणेश जी का ही दिन माना गया है और बड़ा शुभ है। और इसमें जो है जो भी गणेश जी की स्थापना करता है उसको बड़े बड़े पुण्य प्राप्त होते हैं और गणेश जी तो वैसे भी विघ्नों के नाश करने वाले देवता हैं। और इसमें उनकी धर्मपत्नी है रिद्धि और सिद्धि, दो पुत्र हैं शुभ और लाभ, उनका ध्यान किया जाता है, पूजन किया जाता है। और उनका जो पूजन का जो मुख्य समय रहेगा वो 12:30 बजे से लेकर के शुरू होगा। ये 2 साल से तो कोई त्यौहार मनाया नहीं है क्योंकि कोरोना था, तो इस बार हम लोग आए हैं। मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी हैं लेकिन थोड़ा इस बार कॉस्टली है। अभी इस बार 2 साल बाद आए, लोग आए मनाएं और अपना मन्नत करें भगवान को कि हमें साथ छे रहे, ऐसा नहीं आए जो बेचारे कोरोना से जिनका छोटा छोटा बिजनेस वो हुआ वो चले आगे।